गाइज आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि पेटीएम से गाइज हम फास्टैग का रिचार्ज कैसे करेंगे। गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं कि पेटीएम के द्वारा हम फास्टैग का रिचार्ज कैसे करते हैं तो गाइज आज की इस वीडियो में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम में फास्टैग का रिचार्ज कैसे करते हैं। गाइज उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे गाइज तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन लगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा गाइज। तो गाइज पेटीएम से फास्टैग का रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को खोलना है। खोलने के बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा, देख सकते हैं गाइज यूपीआई मनी ट्रांसफ़र। तो गाइज इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा गाइज। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन छोटा सा देख सकते हैं गाइज, इंटर बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी गाइज। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लिखना है गाइज NETC.। गाइज उसके बाद आपको अपना गाड़ी का नंबर गाइज, जैसे यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर जो भी होगा यहाँ पे आपको डाल देना है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो है NETC. उसके बाद अपना गाड़ी का नंबर डाल दिया गाइज। उसके बाद @ लगाना है। उसके बाद गाइज जिस बैंक से आप फास्टैग को खरीदे होंगे उस बैंक का गाइज आपको UPI एक ID होता है, आप देख सकते हैं गाइज जिस बैंक का होगा आप यहाँ पे डाल देना है। आपको सारा बैंक का यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका SBI बैंक होगा तो यहाँ पे आपको SBI लिखना है। अगर आप HDFC बैंक से खरीदे होंगे फास्टैग को तो आपको HDFC बैंक लिख देना है गाइज। अगर आप ICICI बैंक से खरीदे होंगे तो यहाँ पे आपको ICICI लिख देना है गाइज। यहाँ पे उस बैंक का आपको नाम लिख देना है गाइज। तो यहाँ पे गाइज चलिए हम लिख देते हैं HDFC बैंक। तो गाइज यहाँ पे मैंने HDFC बैंक लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है HDFC बैंक लिमिटेड लिख देगा। उसके बाद गाइज आपको जितना भी फास्टैग में रिचार्ज करना होगा यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे गाइज यहाँ पे मैं जो है 600 रुपये का रिचार्ज करूँगा फास्टैग में गाइज, तो यहाँ पे हमको 600 रुपये लिख देना है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोसीड लिखा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे गाइज। उसके बाद आपका पेटीएम का UPI होता है तो यहाँ पे आपको UPI पिन डाल देना है गाइज। तो चलिए गाइज हम डाल देते हैं। डालने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ब्लू टिक पे क्लिक करना है गाइज। गाइज यहाँ पे जैसे ही आप ब्लू टिक पे क्लिक कीजिएगा आपका जो है पेमेंट हो जाएगा गाइज यहाँ पे, और आपका जो है फास्टैग में रिचार्ज हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप फास्टैग में रिचार्ज कर सकते हैं पेटीएम के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और गाइज प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा गाइज।